नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज न्यूज 18 के न्यूज रूम में मौजूद है बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ है एक ऐसे अभिनेता जो हीरो भी हैं, जो विलेन भी हैं, जो लेखक भी हैं, जो कवि भी हैं। शब्द कम पड़ जाएंगे अगर उनका परिचय मैं करवाने लगूं तो। मेरे साथ कोई और नहीं बल्कि आशुतोष राणा जी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 के न्यूज रूम में। और आपकी एक फिल्म आ रही है लकीरें, उसी फिल्म से शुरुआत करते हैं बातचीत की। देखिए, लकीरें जो फिल्म है वो डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप के ऊपर है, वैवाहिक बलात्कार। तो ये बड़ा संवेदनशील एक विषय है क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ पे एक मान्यता ये मानी जाती है कि जब पति और पत्नी वैवाहिक बंधन में बनते हैं तो हमने ये मान के चलते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। पति को लगता है कि ये जो पत्नी है ये पूरा का पूरा इसके मन कर्म वचन चित्त के ऊपर हम जैसा सोच रहे हैं वैसा इसको सोचना चाहिए, और पत्नी को भी लगता है कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हमारे पति को सोचना चाहिए। तो ये हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और कई स्थितियों में ऐसा कभी हो जाता है कि कभी कभी हम अपनी अनिच्छा को, अपनी इच्छा को, सामने वाले की अनिच्छा को ध्यान में रखते हुए, नज़रअंदाज करते हुए हम अपनी इच्छाओं का बलपूर्वक रोपण कर देते हैं। और फिर ऐसी घटनाएं जो घटित होती हैं कि अगर देखा जाए तो क्या वो विवाह के उपरांत स्त्री की इच्छा के बिना या पुरुष की इच्छा के बिना शारीरिक संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में आता है, और अगर अपराध की श्रेणी में आता है तो फिर जिस किस्म के अपराधों के लिए हमारे यहाँ दंड के विधान हैं, तो फिर इस विषय पर, चूँकि विवाह के उपरांत पति के ही द्वारा या पत्नी के द्वारा अगर इस किस्म का कोई कृत्य घटित होता है फिर उसे किस श्रेणी में रखा जाए, तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए ये एक फिल्म है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि एक हिसाब की चर्चा है, एक हिसाब का चिंतन है, और एक हिसाब का पहल कह सकते हैं आप विसल ब्लोअर के तौर पे कि एक विषय को लेकर हम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जब स्त्री और पुरुष के बीच में विवाह होता है तो दुनिया में विवाह एक किस्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ विवाह एक किस्म का संस्कार है जी। जैसे हमारे यहाँ 16 श्रृंगारों को मान्यता प्राप्त है वैसे ही हमारे यहाँ 16 संस्कारों को मान्यता प्राप्त है, और विवाह उन 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है। जब पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष अग्नि के फेरे लेकर जब लगाते हैं और वो चक्र लेते हैं और शपथ लेते हैं कि हम अपने से बेहतर नागरिकों को जन्म देंगे, तो यानी कि हमारे यहाँ पे वैवाहिक संबंध के बाद भी स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी के बीच में बनने वाले शारीरिक संबंध भी उपासना की श्रेणी में आते हैं, वो वासना का विषय नहीं होते हैं। तो फिर इस किस्म की जो इच्छाएं हैं, आदान प्रदान हैं, फिर इसके द्वारा इसको कैसे श्रेणी में रखा जाए, इसके ऊपर एक मैरिटल रेप, ये एक ऐसा विषय है बहुत ही संवेदनशील जिस पर बात करना टैबू माना जाता है। अदालत भी अभी वहाँ पर भी एक लड़ाई चल रही है, किसी नतीजे तक हम पहुँचे नहीं कि इसे अपराध की श्रेणी में रखें ना रखें, किस तरह से रखें, किन धाराओं के तहत रखें। ऐसे विषय पर फिल्म बनाना, इस दौरान कुछ चुनौती भी आई थी? निश्चित रूप से, क्योंकि जब भी कभी आप एक तो होता है कि मनोरंजन प्रधान जब आप काम कर रहे होते हैं तब भी आपके पास चुनौती होती है, लेकिन जब आप विषय प्रधान कोई काम कर रहे होते हैं तब भी आपके पास चुनौती होती है। अपने आप में कला जो होती है वो आपकी प्रतिक्रिया भी है और आपकी अभिव्यक्ति भी है और वो आपका प्रतिबिंब भी है। आपका मतलब समाज का, तो समाज का प्रतिबिंब भी है, प्रतिक्रिया भी है, वो रिफ्लेक्शन भी है और रिप्रेजेंटेटिव भी है, रिएक्शन भी है। तो उसको उस तरीके से देखा जाए तो चुनौतियां तो निश्चित रूप से आती हैं। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में किसी भी फिल्म को बनाने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए जो धन लगता है, उस धन का जो रिस्क होता है, उस मन का जो रिस्क होता है, आपके यश का जो रिस्क होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर मान लीजिए अगर सिनेमा नहीं चला तो हम आधा मिनट में खारिज कर देते हैं कि ये तो बंडल है और ये आदमी ये दो कौड़ी का बोर कर दिया इसने। हाँ, ये दो कौड़ी का है। जबकि जैसे जब कोई कार सड़क पर आती है तो उस कार को कौन बनाता है, कौन डिजाइन करते हैं? इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं, बड़े बड़े मैकेनिकल इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं, वैज्ञानिक डिजाइन करते हैं, लेकिन उसकी टीआरपी कौन डिसाइड करता है?
जाहिर सी बात है खरीदार नहीं, उसकी टीआरपी या उसका उसकी वैधानिकता या उसका उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण होता है वो मैकेनिक, जो हो सकता है कि मैट्रिक पास भी ना हो लेकिन उसके पास अनुभव संपन्न ज्ञान है जी, और वो अपने उस अनुभव संपन्न ज्ञान से आधा मिनट में आपने एक बड़ी कार बनाई इंजीनियर्स ने और उसने कह दिया कि साहब ये इसका ना इसके पिस्टन में जो है वो समस्या है दिक्कत, और ये बात कौन बता रहा है, बोले वो बता रहा है कि जो सड़क के ऊपर मैकेनिक का काम करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि चुनौतियाँ तो निश्चित रूप से होती हैं, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें आपका जजमेंट या आपकी श्रेष्ठता का प्रमाण आपका कर्म नहीं दूसरे का मन। इस फिल्म में ट्रेलर में मैंने देखा आपका एक डायलॉग है, आप पीड़िता से ही सवाल कर रहे हैं जी, कि आपको कब लगा कि आपका पति पति नहीं बल्कि बलात्कारी हो गया, ये सवाल क्या समाज को सोचने पर मजबूर करेगा? निश्चित रूप से, क्योंकि जब भी कोई चीज़ अदालत में जाती है तो अदालत में फिर दलीलें होती हैं, जिरह होती है, और फिर उसके विषय में साक्ष्यों की बात होती है, फिर घटनाओं की बात होती है, और फिर जब उन घटनाओं की बात करके ट्रायल है, मीडिया ट्रायल जैसे होता है ऐसे कोर्ट का भी ट्रायल है, तो जैसे मीडिया ट्रायल की लोगों को अंदर अनर्व कर देते हैं वैसे कोर्ट के भी ट्रायल बड़े बड़े वकीलों के द्वारा वो सामने वाले विक्टिम को या सामने वाले कल्प्रिट को अनर्व करने के लिए होते हैं, लेकिन वो विषय सम्मत ही होते हैं जी। तो ये जो ट्रायल के बाद फिर एक किस्म की ट्रायल और ट्रोलिंग के बीच में भी बड़ा बारीक अंतर होता है कि कब ट्रायल चल रही है और वो ट्रायल के अंदर ट्रोल की इंटेंसिटी है या ट्रोल के अंदर ट्रायल की इंटेंसिटी है। तो ये अपने आप में बड़ी एक जिसको आप कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक युद्ध चलते रहते हैं। तो ये सवाल तो जब चौके की बात चौराहों पर आएगी जी, तो फिर बदलाव भी लाएगी, तो और चौराहों की बात जब चौके में होने लगेंगी तो फिर आपके चौके भी ठीक नहीं रहते हैं और आपके चौराहे भी ठीक नहीं रहते। सही बात। और इस फिल्म की शूटिंग लखनऊ में भी हुई है, वहाँ का अनुभव आपका कैसा था, लखनऊ के लोगों के लिए कोई बहुत संदेश? लखनऊ हमारे देश के कुछ खूबसूरत शहरों में से एक शहर है जहाँ पे आपको इतिहास भी मिलेगा, जहाँ पे आपको आधुनिकता भी मिलेगी, वहाँ का वर्तमान भी है, वहाँ पर स्वाद भी है, वहाँ पर संस्कृति भी है, आपको वहाँ पे पुरानापन भी है और वहाँ पे नयापन भी है। तो एक हिसाब से अगर आप देखें तो लखनऊ एक बहुत अच्छा, फिर आपको वहाँ पे अगर आप शाकाहारी हैं तो शाकाहारियों के पास भी विभिन्न किस्म के बहुत ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ऑप्शन, जो जनरली ये कहा जाता है कि नॉन वेजिटेरियन में ही ऑप्शन होते हैं, लेकिन अब हम जैसे लोग जो शाकाहारी हैं वेजिटेरियन हैं। आपको लखनऊ का क्या पसंद आया? मुझे लखनऊ में सबसे बड़ी बात है कि वो जो कुछ भी बनाते हैं तो बनाते समय वो उसको रुच के बनाते हैं, और जब आप किसी भी व्यंजन को किसी भी चीज़ को जब आप रुच के बनाएं तो उसके अंदर रस अपने आप में आ ही जाता है। लखनऊ के लोग जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। अब मेरे कुछ सवाल अलग से हैं, बात आप पति पत्नी के रिलेशन की कर रहे थे, आपकी धर्म पत्नी है रेणुका जी जिन्हें मैं बचपन से देख रही हूँ, उनकी हंसी मुझे बहुत पसंद है। रेणुका जी कहती हैं कि जब भी आप दोनों के बीच कभी कोई अनबन होती है तो आप पहल करते हैं, तुरंत ही बात करके समझौते तक पहुँचते हैं, मामले को हल कर देते हैं, कल पर नहीं डालते, क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल, हमारा ये मानना है कि अगर किसी भी किस्म का डिस्प्यूट, एक होता है मनमुटाव और एक होता है मतभेद, तो अगर मतभेद, हम ओपिनियन ओरिएंटेड लोग हैं, मत का मतलब ही होता है ओपिनियन, तो स्वाभाविक तौर पे दो अलग अलग एक्सपोजर वाले लोग हैं और अब हम एक छत के नीचे एक जीवन और एक परिवार के रूप में जीवन बिता रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर मत भिन्नता होगी। तो अगर मतों के बीच में भिन्नता है, मत शून्यता से मैं बहुत घबराता हूँ, मत भिन्नता का हमेशा से स्वागत रहा है लेकिन मत शून्यता हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई संवाद घटित हुआ है और लगा है कि नहीं यहाँ पर डिस्प्यूट है तो मेरा ये मानना कि डिस्प्यूट के साथ विवाद के साथ आपको सोना नहीं चाहिए, आप सोने के पहले उस विवाद को संवाद के जरिए समाप्त करें। और फिर सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आप खुद पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, गृहस्थी का मतलब ही होता है कि जिस घर में घुस के आपकी हस्ती समाप्त हो जाए उसे आप गृहस्थी कहते हैं, हस्ती से मतलब है कि आपकी उपलब्धियाँ जी,
आपकी लेकिन अमूमन हम समाज में देखते हैं कि एक पति ईगो की बात होती है कि पुरुष का एक ईगो होता है और वो उसे वाजिब माना जाता है जी, तो वो आड़े नहीं आता। बिल्कुल नहीं, वही तो मैंने कहा कि मैं गृहस्थ हूँ तो हस्ती कैसे पैदा होती है, हस्ती से मतलब अहंकार, हस्ती आपकी उपलब्धियों से पैदा होती है। तो जो गृहस्थी वाले लोग होते हैं वो जिस घर में घुस के आपकी हस्ती समाप्त हो जाए वो गृहस्थी कहलाती है। होता क्या है कि हम घर में तो अपनी हस्तियों को खड़ा कर लेते हैं और घर की देहरी के बाद अपनी हस्तियों के साथ समझौते कर लेते हैं, इसलिए हमारा घर भी बिगड़ जाता है, परिवार भी बिगड़ जाता है और हमारा बाजार भी बिगड़ जाता है। बाजार में हमें अपनी हस्ती के साथ खड़े रहना चाहिए और परिवार में हमें अपनी गृहस्थी के साथ खड़े रहना चाहिए। अगला सवाल है कि आपने पॉजिटिव किरदार भी किए, नेगेटिव किरदार भी किए हैं, दर्शकों पर आप जादू कर देते हैं, मंत्रमुग्ध कर देते हैं उन्हें, लेकिन आपको अपना कौन सा किरदार ज़्यादा पसंद है? नेगेटिव किरदार में आप खुद को ज़्यादा पसंद करते हैं या पॉजिटिव? मैं अपने किरदारों को नेगेटिव और पॉजिटिव की दृष्टि से नहीं देखता, मैं अपने किरदारों को देखता हूँ कि वो उनके अंदर कितना एज है। वो नट पे चलने वाले, जैसे जो हम लोग नट देखते हैं ना, अगर रस्सी पे बच्चे चलते हैं संतुलन बनाते हुए, तो अगर किसी किरदार के अंदर, कि जब दुनिया ब्लैक एंड वाइट नहीं है, दुनिया सतरंगी है, तो किरदारों के अंदर भी रंग बिरंगे कई किस्म के रंग होने चाहिए, शेड्स होने चाहिए। तो मेरा अपना भरोसा जो रहा है वो ट्रुथ ऑफ द मोमेंट में रहा है कि जिस भी किरदार को करें, उस जो पल उस समय स्क्रीन पर वो किरदार जी रहा है, उस पल को पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ जी दीजिए जो आपके अंदर है। कला का मतलब ही यही होता है कि आप बीते हुए कल को, कल बड़ा चमत्कारी शब्द है, वो अतीत के लिए भी इस्तेमाल होता है, भविष्य के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जो बीते हुए कल को और आने वाले कल को आज उपस्थित कर दे, इस विधा को आप कला कहते हैं। आप कहते हैं कि मैं जब भी कोई किरदार करता हूँ तो मैं आशुतोष राणा को समाप्त कर देता जी, क्या इसका यही मतलब है? इसका यही मतलब है, मेरा ये मानना रहता है कि आप किसी किरदार को तो जानते नहीं है, आप कितना रिसर्च करेंगे उसके बारे में, ठीक है, तो लेकिन आपके पास एक सुविधा यह है कि आप स्वयं को जान सकते हैं। तो मेरे लिए अभिनय की जो यात्रा है वो अंदर से बाहर की यात्रा नहीं है, बाहर से अंदर की यात्रा है, इसको अंतर यात्रा के तौर पे देखता जाता हूँ। और मेरा ये मानना है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए, कई बार देखिए। और परमात्मा श्री कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत अद्भुत बात कही और मुझे लगता है वो हर आदमी के लिए है, लेकिन अभिनेताओं को तो निश्चित रूप से इस बात को मूल मंत्र बना लेना चाहिए कि वो कहते हैं कि जो कुछ भी, वो अर्जुन को समझा रहे हैं जी। और अर्जुन से कहते हैं कि जो कुछ भी अर्जुन तुम बाहर देख रहे हो ना, सब मुझसे ही निकलता है और मुझ में ही समा जाता है, ये वाली जो बात है। तो जितने भी रंग हमारे आपके जीवन में हैं वो सब, जो कुछ भी हम और आप बाहर देख रहे हैं, ये सारे के सारे रंग बीज रूप में हम सबके अंदर मौजूद होते हैं। जब इन्हें वृक्ष बनाना हो तो उस बीज की फितरत के मुताबिक आप उसके अंदर भाव के खाद पानी को डालिए, आप देखेंगे वो वृक्ष बन के निकल आएगा। तो आशुतोष ना दिखे किरदारों में, ये मेरी कोशिश रहती है, और जब आशुतोष नहीं दिखेगा तो फिर जो दिखेगा वो किरदार दिखेगा। आप फिल्मों के अलावा, OTT के अलावा, बाहर भी आपकी जो मौजूदगी होती है, आप कहीं पर भी दिखते हैं, किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, आप इतनी गहराई हर विषय पर, आप साहित्यिक हैं, आप धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, क्या हैं? हम संसार में जन्म ही लेते हैं इसी अपने स्वयं से परिचय प्राप्त करने के लिए जी। और हमारा स्वयं से परिचय प्राप्त करने के लिए ही हमारा जन्म होता है। तो अभी तो ये परिचय की यात्रा जारी है और ये विभिन्न रंग गुरुदेव भगवान की कृपा से वो देते रहे कि अगर चाहे उसको आप आध्यात्मिक दृष्टि कहें, चाहे उसको आप धार्मिक वृत्ति कहें, चाहे उसको आप कलात्मक वृत्ति कहें, या उसको करने की जो हमारी प्रेरणा है वो कहें, या आप एक नागरिक के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर, तो मैं संसार को इस दृष्टिकोण से नहीं देखता हूँ कि ये अच्छा है और ये बुरा है, मैं संसार को इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि ये ऐसा है। आपने खुद को बहुत पहले ही जान लिया था, क्योंकि एक वाक्या है कि NSD में अपने एक साथी को आपने कहा था कि आपको जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा वो नेगेटिव किरदार के लिए मिलेगा। हाँ। 4 साल बाद मिला भी दुश्मन के लिए, तो क्या आपने खुद को बहुत पहले ही जान लिया था? नहीं, मैं ये कहूँगा कि मैं हूँ गुरुवादी आदमी जी, और मेरे परम पूज गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री जो ब्रह्मलीन हो गए 2020 में, गृहस्थ संत थे। तो चूंकि मेरा ये मानना था कि जब गुरु का कोई प्रिय शिष्य होता है या गुरु को हर शिष्य प्रिय होता है,
तो फिर शिष्य के मुंह से निकली बात कहीं ना कहीं गुरु उस योग क्षेम से पूरा कर देते हैं। तो मैं मुझे अपने गुरुदेव पर इस बात का भरोसा था और उनके प्रेम पर, उनके सामर्थ्य पर। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने विद्यालय में ही बोल दिया था कि मुझे आज से इतने वर्ष बाद बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का फिल्म फेयर अवार्ड मिलने वाला और हम लोग साथ में चलेंगे जी। तो अब ये गुरु का दायित्व होता है कि वो अपने प्रिय शिष्य के मुंह से निकली हुई उस बात को या उसकी उस इच्छा को जो है वो पूरा कर दे। और मैं ऐसे संकटों में उनको डालता नहीं था बार बार, और ये हुआ और फिर मैं उसी मित्र के साथ अपना उस फिल्म फेयर अवार्ड रिसीव करने के लिए गया। आखिरी सवाल है मेरा जी, 22 जनवरी 2024 वो तारीख जब रामलला विराजमान हो जाएंगे नवे और भव्य मंदिर में, उस दिन को लेकर आपके अंदर से 2-3 लाइनें, क्योंकि आपने राम को कई बार स्तुति की है जी। देखिए, परमात्मा श्री राम जो हैं वो इतने अद्भुत हैं, और रामराज्य मैंने लिखी भी है और अगर वक्त मिले तो आप वो उपन्यास को पढ़िएगा। उसे दो प्रदेशों से अखिल भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो वो इतने अद्भुत हैं कि उनका चित्त, चरित्र और चिंतन ये सिर्फ पूजनी ही नहीं है, ये धारणी भी है। आप अपनी शैली में है ना, सुनाए तो धारणी कैसे है कि अगर वो ये कहते हैं कि प्रातःकाल उठे रघुनाथा मात पिता गुरु नाभि माता, तो उनका जो विश्वास है वो नमन की शक्ति में है, उनका जो विश्वास है वो वंदन की शक्ति में है। उन्होंने, अगर आप उनके पूरे के पूरे जीवन को देखें, तो उनसे अच्छा मित्र तो किसको राम जैसा मित्र नहीं चाहिए, किसको राम जैसा पुत्र नहीं चाहिए, किसको राम जैसा भाई नहीं चाहिए, किसको राम जैसा पति नहीं चाहिए, जिन्होंने मन कर्म वचन से मातेश्वरी जगत जननी सीता कैलाशवा स्वप्न में भी किसी अन्य स्त्री का चिंतन नहीं किया, और सीता उनका प्रेम ही नहीं उनका प्राण भी थी, उनकी गरिमा भी थी, गौरव भी थी और मर्यादा भी थी। और चाहे इंद्र के लड़के जयंत या विराध नाम के राक्षस या खरदूषण से लेके त्रिलोक विजेता रावण तक, जिस किसी ने भी मातेश्वरी जगत जननी सीता के मान में खलल डालने की कोशिश की है, परमात्मा श्री राम ने उसका वध किया है। यहाँ तक कि रावण के 100 योजन लंबे समुद्र के ऊपर उन्होंने पुल बना के रावण के ही मैदान क्षेत्र में 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती वाले रावण को उसके ही लंका में भस्मीभूत कर दिया। तो तात्पर्य ये है, वो और उनके जैसा मर्यादित शत्रु, उनको मर्यादा से प्रेम था। और या ये कहें आपके जैसे परमात्मा श्री कृष्ण को, परमात्मा श्री राम को मर्यादा से प्रेम था और परमात्मा श्री कृष्ण के प्रेम में मर्यादा थी। अगर आप देखेंगे तो परमात्मा श्री राम ने जो किया है वो कर्म हमारे और आपके लिए कल्याण के मार्ग हो सकते हैं, और परमात्मा श्री कृष्ण ने जो कहा है वो हमारे और आपके कल्याण के मार्ग को निर्देशित कर सकते हैं। तो एक का कर्म और दूसरे का कथन, यदि हम ये दोनों धारण कर लें तो हमारे जीवन में शिव की सृष्टि हो जाएगी, शिव अर्थात कल्याणकारी। पूरी उम्मीद है और शुभकामनाएं भी हैं कि आपकी आने वाली फिल्म भी हिट होगी, और ना सिर्फ हिट होगी बल्कि समाज में एक विचार पैदा करेगी, एक बदलाव लाने का एक कारण बनेगी, जरिया बनेगी।